साल 2013 में टेस्ट डेब्यू करने वाले टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा का 8 साल लंबा इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में दुनिया भर में बल्ले से धमाके किए और शतक जड़े, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो विदेशी सरजमी पर अब तक कोई शतक नहीं जड़ सके थे। लेकिन शनिवार को उन्होंने अपने टेस्ट करियर पर लगे इस दाग को शानदार छक्का मारकर मिटा दिया। रोहित ने ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में चाय काल से पहले मोइन अली की गेंद पर छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। रोहित ने विदेशी सरजमी पर पहला टेस्ट शतक पूरा करने के लिए 204 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और एक छक्का जड़ा। यह टेस्ट क्रिकेट में रोहित के बल्ले से निकला 8वां शतक है। रोहित के बल्ले से ये शतक तब निकला जब भारतीय टीम पहली पारी में टीम 89 रन से पिछड़ रही थी और उसके ऊपर हार का संकट मंडरा रहा था, लेकिन हिटमैन ने केएल राहुल के साथ मिलकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। राहुल के आउट होने के बाद रोहित ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई और चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। इसी दौरान उन्होंने 145 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अपने जाने पहचाने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगले 50 रन महज 59 गेंद पर जड़कर शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा के इस शानदार शतक के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।